किसान भाइयों, अब आपके लिए रेन पाइप लगाना और भी आसान हो गया है, क्योंकि आप इसे डायरेक्टली जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड सब्सिडी पे आपके HDPE PVC पाइप्स आते हैं उनमें डायरेक्टली आप इसे ज्वाइंट कर लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास HDPE PVC पाइप्स है, उसमें आपके ये जॉइंटर है, इन्हें आपको लगा देना है इसके अंदर में इस तरीके से। और बड़ा सिंपल है आपका ये, यहाँ पे आप इसके लॉक लगा लीजिए। फिर आपका ये दूसरा पाइप है, इसे भी आप ऐसे डायरेक्टली अटैच कर इसके लॉक लगा दीजिए। इसका ये जो आपका यहाँ पे कनेक्टर दिया गया है, इसे हम एक बार खोलकर दिखा देते हैं आपको। ये आपका 19 और 25 mm साइज में आता है, हमारे पास जो है वो है 19 mm साइज का। इसे आप इसके ऊपर टाइट कर देंगे जो कि बहुत आसान है। उसके बाद अगर आपको फ्लड इरिगेशन करना है तो आप फ्लड इरिगेशन कर सकते हैं, या आप रेन पाइप इसके ऊपर लगाकर रेन पाइप लगा सकते हैं। ऐसे आपने टाइट किया, उसके बाद आपको आसान तरीके से इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आपका जॉइंटर वाला पोर्शन है वो आपको नीचे रखना है, क्योंकि आपके जो रेन पाइप के छेद हैं वो ऊपर है। आप इसे इसके ऊपर लगा देंगे, उसके बाद ये जो आपका पीला छल्ला है इसके ऊपर कर आप इसे आसानी से खींच देंगे। ये आपका यहाँ पे इसके ऊपर रेन पाइप लग गया है, जो कि बहुत आसान है। आप एक और चीज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑन और ऑफ करने के लिए ये वॉल्व दिया हुआ है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेन पाइप चलाना है आप वो भी स्पेसिफिक रेन पाइप चला सकते हैं। यह जो आपका रेन पाइप है ये 40 mm साइज का है, इसके ऊपर जो छेद है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जो कि आसानी से क्लॉग नहीं होते, और अगर आप इसमें प्रॉपर फिल्टर लगाते हैं तो यह बिल्कुल भी क्लॉग नहीं होगा। आपको अगर पाइप एक्सटेंड करना है आप उसके अंदर जॉइंटर लगा सकते हैं, और फिर एंड में आपको एंड कैप लगाना होता है जिससे वहां पे पानी बंद हो जाता है और इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। और HDPE PVC पाइप की जो लेंथ है वो आपकी 20 फीट है, इस वजह से रेन पाइप आपका 20 फीट बाय 20 फीट की दूरी पे हमने रखा हुआ है, क्योंकि 20 फीट पे हम कनेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं। बारिश भी दो तरीके की होती है, एक मूसलाधार बारिश और दूसरी किनमिन बारिश। हम जानते हैं कि किनमिन बारिश खेतों के लिए फसलों के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि वहां पे जो जड़ें होती हैं, जड़ें आसानी से फैलती है, जो जमीन होती है वो तप्पड़ नहीं होती है, मतलब कि टाइट नहीं होती है। अगर मूसलाधार बारिश होती है तो जमीन तप्पड़ और टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से जड़ों की ग्रोथ नहीं होती। अगर जड़ों की ग्रोथ नहीं होगी वहां पे जो पैदावार है पैदावार कम होगी, जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी, मतलब कि किनमिन बारिश ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पे जो वीकी रेन पाइप से इरीगेशन से यहाँ पे जो बारिश हो रही है वो भी किनमिन बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जमीन तप्पड़ नहीं होती और जो फसलों की जड़ें हैं वो आसानी से फैलती है, जिसकी वजह से पैदावार बढ़ती है। अब किसी भी चीज के लिए सबसे मेन बात आती है कि उसे कहां कहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वीके रेन पाइप को सभी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे आपकी जमीन समतल हो या ऊपर नीचे हो। इसके अंदर सबसे मेन बात ये भी आती है कि किसान भाई इसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कि कुछ किसान भाई इसे डेयरी फार्म के अंदर पशुओं को नहलाने के लिए करते हैं। किसान भाइयों, आपका एक और मेन क्वेश्चन है कि जो रेन पाइप है वो आप समर्सिबल पंप के अंदर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये 7.5 HP का यहाँ पे समर्सिबल पंप हमने डाला हुआ है, ऊपर आपके यहाँ पे HDPE PVC पाइप्स हैं, और ये आपका यहाँ पे जॉइंटर हमने लगाया हुआ है जिसमें रेन पाइप आपका लगा हुआ है। इसके अंदर जो मेन बात ध्यान करने वाली है कि अगर आपका समर्सिबल पंप के अंदर प्रेशर अच्छा आ रहा है पानी का, तो रेन पाइप आपका ज्यादा दूर तक दाएं और बाएं की बौछार करेगा। अगर अच्छा प्रेशर नहीं है तो इसमें आप दूसरा प्रेशर पंप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप 15 से 20 फीट दाएं और 15 से 20 फीट दाएं की बौछार रेन पाइप की मदद से कर सकते हैं। किसान भाइयों, नई नई टेक्नोलॉजी हर दिन आ रही है, आप नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे आप पर्यावरण का भी ख्याल रखें तो वो सोने पे सुहागा हो जाती है। ऐसा ही रेन पाइप है, रेन पाइप से आप कृत्रिम बारिश कर अपनी पैदावार तो बढ़ाते हैं और पानी की भी आप बचत करते हैं। रेन पाइप के बारे में अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।